और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है संदेश खाली से। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल यानी कि डेलीगेशन पहुंचा है। संदेश खाली रवाना हो चुका है, जांच के लिए हुआ रवाना। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में आपने देखा कि किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोला और उसके बाद पुलिस और कैसे भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने नजर आया, और उसके बाद अब बीजेपी का डेलीगेशन संदेश खाली हुआ रवाना। ये तस्वीरें भी आपके सामने, जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगा ये डेलीगेशन। वीडियो वीडियो तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संदेश खाली को लेकर ये तस्वीर। हालांकि ममता बनर्जी कह रही है संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है और यहां तनाव पैदा करने की भयानक साजिश हो रही है। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में रवाना हुई है डेलीगेशन, बीजेपी का डेलीगेशन जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी का लगातार हल्ला बोल जारी है। संदेश खाली में तनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा महिलाओं के शोषण का मामला। महिला आयोग की अध्यक्ष जाएंगी बंगाल। और इस बीच पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप बेहद तेज है। इसी बीच बीजेपी का डेलीगेशन संदेश खाली के लिए रवाना हो चुका है। बीजेपी का यह 6 सदस्यीय डेलीगेशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगा। इस कमेटी में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रजलाल शामिल हैं। रवाना होने से पहले केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सीएम का नाम ममता है लेकिन उन्हें ममता है नहीं, बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में तनाव के बीच महिलाओं के शोषण का मामला शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और संदेश खाली पर राजनीतिक वार पलटवार भी लगातार जारी है। देखिए पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के संदेश खाली में पिछले सप्ताह से जारी तनाव के बीच क्षेत्र की महिलाओं के शोषण का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी का डेलीगेशन रवाना हो चुका है पश्चिम बंगाल के लिए। इस प्रदेश में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री महिला है, नाम उसका ममता है और उसके बाद जिस तरह से उनके द्वारा एक महिला के नाते कोई संवेदना नहीं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके तथाकथित गुंडे शहजादा शेख शाहजहां शेख है, तो उनके गुंडों के द्वारा, टीएमसी के गुंडों के द्वारा लगातार हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। रात में काम के नाम पर, रात में मीटिंग के नाम पर महिलाओं को बुलाया जाता है, घर घर उनके गुंडों, टीएमसी के गुंडे जाकर देख कर आते हैं कौन सी कम उम्र की बेटी है, कौन नई ब्याही बहू है, कौन सुंदर बहू है और उसको ले जाया जाता है। कई कई दिनों तक इस टीएमसी के गुंडे उनको रखते हैं और उसके बाद उनका न जाने किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, फिर उसको छोड़ते हैं उनके। देखिए ये पश्चिम बंगाल का 24 परगना इलाका उस वक्त सुर्खियों में आया जब पश्चिम बंगाल के नेता के घर पर ईडी की रेड के लिए टीम पहुंचती है तो वहां पर सैकड़ों की तादाद में एक भीड़ आकर ईडी के ऊपर ही हमला बोल देती है।